आप सभी प्रतियोगी मित्रों का एडुओरिगा के लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से जीवन कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के जरिए हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय प्रोनाउन के लर्निंग के लिए एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी। हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में अध्ययन किया। इसके पश्चात हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में सीखा और तत्पश्चात हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, इन सभी तथ्यों पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया। आज का यह पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर प्रोनाउन की लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए है और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में विचार विमर्श करेंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया गया है और उनके प्रॉपर फंक्शंस क्या हैं, यानी उनकी उपयोगिता कहाँ तक सीमित है। तो चलिए बिना किसी समय के बर्बादी के आज का वीडियो लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को सीखने और समझने के साथ साथ प्रोनाउन के संबंध में अपने नॉलेज को पहले से बेहतर और परिष्कृत बनाने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, अगर हम लोग बात करें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की, तो प्रोनाउन की लर्निंग सीरीज में ये चौथे प्रकार के प्रोनाउंस हैं और इनका काम होता है प्रश्न पूछने का। इनका काम क्या होता है? प्रश्न पूछने का, यानी इनका प्रयोग करके हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने का कार्य संपन्न करते हैं और इस बात का अंदाज़ा आप इंट्रोगेटिव शब्द से ही लगा सकते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव शब्द की अगर हम लोग बात करें, यानी पर्टिकुलर हम लोग इन दोनों शब्दों की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास में दो शब्द हैं। एक शब्द है प्रोनाउंस और दूसरा शब्द है हमारे पास में इंट्रोगेटिव। तो ये जो शब्द है, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि नाउन के बदले प्रयोग होने वाला कोई भी शब्द जो नाउन की पुनरावृत्ति को किसी भी सेंटेंस में रिपीट होने से रोक देता है, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव शब्द का अर्थ निकालने के लिए हमको इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा, यानी इसको हमें रूट वर्ड और सफिक्स या प्रीफिक्स में तोड़ना पड़ेगा। तो इस शब्द को इंट्रोगेट वर्ब से बनाया गया है। हमारे पास शब्द है इंट्रोगेट, जो कि एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है पूछताछ करना। इस इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है? पूछताछ करना, पूछताछ करना, ठीक है ना, पूछताछ करना। और इंट्रोगेट में हम लोगों ने मिला दिया है सफिक्स आईवीई, जिसकी वजह से इंट्रोगेट वर्ब का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब से बदल करके एडजेक्टिव के रूप में हमारे सामने उभर करके आता है। तो बेसिक सी बात ये हुई कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउन हैं जिनका प्रयोग सवाल पूछने में किया जाता है, जिनका उपयोग किस बात के लिए होता है? प्रश्न पूछने में जिनका उपयोग होता है। अब बात ये आती है कि किसके संबंध में इनके जरिए हम लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। नाउन के संबंध में, एडजेक्टिव के संबंध में, वर्ब के संबंध में, या किसी अन्य प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पाए जाने वाले किसी शब्द के संबंध में। तो इस बात का जवाब इसलिए यहाँ पे अहम हो जाता है क्योंकि हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड्स तीन प्रकार के होते हैं। मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस सीखने के पहले आपको कुछ एक बातें हैं जो इंट्रोगेटिव शब्दों के बारे में सीखनी पड़ेगी, यानी प्रश्नवाचक शब्दों के बारे में सीखनी पड़ेगी। और वो बात ये है कि जो टोटल इंट्रोगेटिव वर्ड्स की फैमिली है, इस बात को जरा हम लोग डायग्राम से समझते हैं, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पे आते हैं। बहरहाल, हमने इतनी बेसिक सी बात जान ली है कि भाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस उन सभी शब्दों के बारे में है, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत वे सभी प्रोनाउन के शब्द आएंगे जिनके जरिए हम लोग सवाल करने का कार्य करेंगे। अब बात ये आती है कि भाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के जरिए हम लोग किनके संबंध में सवाल करेंगे। तो इस बात का जवाब देने के लिए मैं एक अलग से आपके सामने एक डायग्राम बनाना चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे साथ में पेन और पेपर ले करके बैठे, आप इन सारी चीज़ों को नोट करते जाएँ स्टेप बाई स्टेप। तो जो सबसे पहला हमारा थिंकिंग का प्रोसीजर है वो ये है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमारे पास में किस तरीके से है। मतलब पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारे पास में इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, शब्द हैं, प्रश्नवाचक शब्द, इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है और कौन कौन से शब्द इनके अंतर्गत शामिल किए गए, मतलब कौन से शब्द हैं जिनका काम होता है प्रश्न पूछने का। तो सबसे पहला उत्तर आप समझिएगा यहाँ पे, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं उनकी पूरी फैमिली को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से जो पहली कैटेगरी है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जो पहली कैटेगरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, करेक्ट। और जो दूसरी कैटेगरी है इंट्रोगेटिव वर्ड्स की, प्रश्नवाचक शब्दों की, इनको हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। एडजेक्टिव वाले चैप्टर में हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं जिनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत रखा गया और उनका एक्चुअल में जो कार्य करने का तरीका है वो कैसा है, ठीक है ना। हमने यहाँ तक ये बातें सीखी कि भाई जितना भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स है इंग्लिश लैंग्वेज में, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, उन सभी शब्दों को 3 प्रमुख वर्गों में विभक्त कर दिया गया है, जिनमें से पहला वर्ग है जिसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, जो कि आज हम सीखने वाले हैं। और जो दूसरा वर्ग है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। और जो तीसरा वर्ग है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो यहां तक मैंने आपको कोई स्पेशल बात नहीं बताई है, ठीक है ना, कोई फंक्शनल बात हमने यहाँ पे नहीं की है। बस हमने इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको प्रॉपरली कितने प्रमुख वर्गों में विभक्त किया गया है उसको हमने आपसे अवगत कराने की कोशिश की है। तो हमने यहाँ पे बोला कि जितना भी हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड्स है इंग्लिश लैंग्वेज में वो 3 खंडों में डिवाइडेड है, और जिसमें से पहले खंड के अंतर्गत, पहले वर्ग के अंतर्गत इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के शब्द आते हैं, यानी वे प्रश्नवाचक शब्द जिनका यूज हम लोग प्रोनाउन के तौर पर करते हैं। और प्रोनाउन कौन से शब्द होते हैं? जिनका उपयोग हम लोग नाउन के बदले करते हैं, और नाउन का उपयोग हम लोग किसी भी सेंटेंस में अधिकतम जगहों पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं, चाहे वो वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो। बात आपको कंफर्म है? यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के द्वारा हम लोग किसी भी वाक्य के अंतर्गत पाए जाने वाले किसी नाउन के संबंध में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। और वो नाउन कहाँ पे यूज होगा? बेसिकली, जनरली, या फिर ये कह लें कि मैक्सिमम टाइम्स जो नाउन होता है वो किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट 2 ही जगहों पर ज़्यादातर यूज होता है। हाँ, कहीं कहीं पर उसका फंक्शन जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट का हो जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि वो एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करने लगता है। तो उन सभी बातों को अगर हम छोड़ दें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का काम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादातर सवाल पूछने का होता है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे ज़्यादातर केसेस में हमें कौन देखने को मिलता है? नाउन या प्रोनाउन। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ये वे प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनका उपयोग हम लोग एडजेक्टिव की तरह करते हैं। और अगर हम लोग एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव जो होता है वो किसी भी नाउन के बारे में या तो डिस्क्रिप्शन होता है या फिर डिटर्मिनेशन होता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब विवरण और डिटर्मिनेशन का मतलब निर्धारण। तो जो हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये एक्चुअल में डिटरमाइनर के तौर पे काम करते हैं, मतलब इनको हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। और ये तो हम लोग अगर इनकी डेफिनेशन बनाएं तो हम कह सकते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स वे डिटरमाइनर हैं या वे डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव हैं जिनका प्रयोग हम लोग किसी नाउन के पूर्व उसी नाउन के संबंध में सवाल करने के लिए करते हैं। मतलब इनका भी काम होगा कि नाउन के बारे में सवाल करना, प्रश्न पूछना, लेकिन इनका जो सिंटैक्स होगा वो डिफरेंट होगा। ये जो शब्द होंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ये विदाउट नाउन आएंगे, भले ये नाउन के संबंध में सवाल करेंगे लेकिन नाउन इनके बाद में दिखाई नहीं पड़ेगा। जिस नाउन के संबंध में ये सवाल करेंगे वो नाउन इनके तुरंत बाद में नहीं आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे इनके तुरंत बाद में वही नाउन आपको दिखाई पड़ेगा जिस नाउन के संबंध में आप इनके जरिए सवाल पूछने का कार्य करेंगे। यानी जो इनका पैटर्न है वो हमारा कुछ इस तरीके का होगा कि इनको डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव के रूप में पेश करने की कोशिश होगी। और अगर हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब की बात करें तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के द्वारा हम लोग एक्शन से रिलेटेड सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, यानी वर्ब से रिलेटेड सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। और कहीं कहीं पर हम लोग किसी दूसरे एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव के संबंध में भी इनके द्वारा हम लोग सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। बात आपको समझ में आई? तो जनरल सी अगर हम लोग डेफिनेशन बनाए तीनों चीजों की तो आप कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वे शब्द हैं जिनके जरिए हम लोग किसी भी वाक्य में नाउन के संबंध में सवाल करने की कोशिश करते हैं। और ज्यादातर केसेस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के जरिए वाक्य के सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के बारे में सवाल किया जाता है। लेकिन हम लोग जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग कर रहे होंगे तो जिस नाउन के संबंध में सवाल होगा वो नाउन इनके तुरंत बाद नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये प्रोनाउन है, नाउन के बदले प्रयोग होंगे तो नाउन को आने की आवश्यकता नहीं होगी तुरंत। ठीक है। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होगा वो नाउन को साथ में लेकर के आएगा और उसी नाउन के बारे में सवाल करेगा। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होगा ये एक्शन के बारे में जनरल केसेस में सवाल करेगा, यानी वर्ब के बारे में सवाल पूछने के काम में आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो हैं वो तीन सेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं, जिनमें से आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन से सेक्शन? फर्स्ट वाला सेक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को अगर हम लोग हिंदी में लिखने की कोशिश करें तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका मतलब क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और वैसे तो हिंदी से कोई मतलब नहीं है, हिंदी से इंग्लिश का कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे आपको शब्दों का शब्दार्थ जानने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। लेकिन आप उससे बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट करने की उम्मीद में मत रहिएगा। बस इतनी सी बातें हमको समझ में आती हैं यहाँ तक के डिस्कशन से हमको ये बात समझ में आती है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउन हैं जिनके जरिए हम लोग किसी भी वाक्य में पाए जाने वाले नाउन के संबंध में सवाल करते हैं। और नाउन जो है ज़्यादातर केसेस में वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, यानी हम कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के बारे में सवाल करने के लिए करते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को चाहिएगा तो लिख भी लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इसके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बात करूँगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आपको मिलने वाले हैं और उन शब्दों को बेहतर तरीके से यूज कैसे किया जाए, ताकि उनके यूज में अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसे फटाक से पकड़ लें, या फिर आपको अगर यूज करना हो तो आप सही वर्ड यूज कर पाएँ। ठीक है। तो भाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत हमारे पास जो शब्द हैं वे इस प्रकार से हैं। जो पहला शब्द है वो है हु, सेकेंड वर्ड इज हुम, थर्ड वर्ड इज व्हाट, और लास्ट वर्ड हमारे पास में है विच। और इसके बाद में हमारे पास में शब्द है हुज। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में शब्द हैं 5, जिनको हम लोग किस कैटेगरी में रख रहे हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में रख रहे हैं। लेकिन इनमें से व्हाट, विच और हुज ये तीनों शब्द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तरीके से भी फंक्शन करते हैं। बस अंतर ये होगा कि जब व्हाट, विच और हुज के तुरंत बाद कोई नाउन आपको नजर नहीं आता हो तो आप इन्हें तुरंत कहिएगा कि ये शब्द जो हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। और यदि आपको व्हाट, विच और हुज के बाद नाउन दिखाई पड़ जाता है, तुरंत बाद में नाउन दिखाई पड़ जाता है, वही नाउन जिसके संबंध में सवाल पूछा जा रहा है, तो आप इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा दीजिएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और अगर हु और हुम के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने की बात आए तो आप बेझिझक बोलिएगा कि हु और हुम जो हैं वो प्योर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, इनका उपयोग अन्य किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे नहीं किया जा सकता है। तो अब हम लोग आते हैं कि भाई हु, हुम, व्हाट, विच और हुज को किन अर्थों में उपयोग किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यूज ऑफ हु का, ठीक है ना, कि भाई हु की उपयोगिता क्या है। अगर हम लोग हु की बात करें तो इसका उपयोग हम लोग क्या करने के लिए करते हैं। सबसे पहली बात तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इस वजह से हम लोग इसका उपयोग नाउन के बदले करते हैं और नाउन के संबंध में सवाल पूछने के लिए करते हैं। तो नाउन हमारा तो कई लोगों को इंडिकेट करने के लिए बना हुआ है, जैसे नाउन के जरिए हम लोग पर्सन को संबोधित करते हैं, नाउन के जरिए हम लोग वस्तु को संबोधित करते हैं, नाउन के जरिए हम लोग प्लेस का नाम बताने की कोशिश करते हैं, किसी अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट का नाम बताने की कोशिश करते हैं, जैसे कि क्वालिटी हो गया, इमोशन हो गया, फीलिंग हो गई, एक्शन हो गया, स्टेट हो गया, इत्यादि चीज़ों का भी नाम हम लोग बताने के लिए किसका उपयोग करते हैं, नाउन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हु के जरिए नाउन का कौन सा वर्ग है या नाउन का कौन सा प्रकार है जिसके संबंध में सवाल पूछा जाता है। तो हु का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमको जानना हो, जब हमको क्या करना हो, जानना हो। भाई कुछ जानना होगा तभी तो हम सवाल करेंगे, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन हमारे पास में कंप्लीट नहीं होगी और हम इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो सवाल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे या इंट्रोगेशन करेंगे। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी है, और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें अभी जाननी है। क्या जाननी है? टू नो एन अननोन पर्सन, टू नो एन unknown person as a subject, as a subject, ठीक है। तो हमें क्या जानकारी हासिल करनी है? एक अपरिचित व्यक्ति की जानकारी हासिल करनी है जो कि एक सब्जेक्ट का कार्य करके चला गया है और उसके बारे में हमको जानना है, हमें उसका नाम जानना है कि वो कौन नाउन था, वो कौन व्यक्ति था जिसने ये पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। यानी जिसके बारे में इस एक्शन या इस सेंटेंस के बात हो रही है, इस वाक्य की या इस एक्शन की बात हो रही है या इस इवेंट की बात हो रही है, जिसके संबंध में वो कौन सा व्यक्ति है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जानना चाहते हैं हु इज योर फादर, ठीक है। या फिर हम जानना चाहते हैं हु टीचेस यू इंग्लिश, या फिर हम लोग ये कहें हु इज द प्राइम मिनिस्टर, the Prime Minister of India, who is the Prime Minister of India। बात आपको समझ में आई। तो इन सभी सवालों में आप देख रहे हैं, अगर आप इन सवालों का जवाब देंगे तो एक पर्सन का नाम सामने आएगा, एक व्यक्ति का नाम सामने आएगा, और वो व्यक्ति इस पूरी बात का, इस पूरी जो है वक्तव्य का, इस पूरे वाक्य का सब्जेक्ट बन करके आएगा। जैसे आपने कहा हु इज योर फादर, आपने क्या सवाल किया, हु इज योर फादर, किसी भी व्यक्ति से आपने सवाल किया हु इज योर फादर, ठीक है। तो जब आपने इसका जवाब देना चाहा, इस पहले वाले सवाल का, हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे, तो अगर हम लोग इन तीनों चीजों को क्या मान रहे हैं, सवाल मान रहे हैं, प्रश्न मान रहे हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो जब हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, यानी जो भी व्यक्ति होगा जिससे आप सवाल करेंगे, जब वो आंसर आपको प्रोवाइड करेगा तो आपको हु के बदले एक पर्सन का नाम मिलेगा, एक व्यक्ति का नाम मिलेगा जो इन सेंटेंसेस का सब्जेक्ट बन करके आएगा। जैसे पहले का आपने जवाब दिया तो आप इस तरीके से बोलेंगे, भाई वो व्यक्ति आपसे बोलेगा, अगर उसके पिता का नाम रोहन रहेगा तो वो बोलेगा रोहन इज माई फादर। रोहन कौन है? मेरा पिता है। तो आपने देखा रोहन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हु के जगह पे हमने रोहन का प्रयोग कर लिया, या उस व्यक्ति ने जो नाम बताया वो नाम कहाँ पे चला गया, सब्जेक्ट की जगह पे चला गया। तो अभी तक ये व्यक्ति अननोन था, अभी तक आप इस व्यक्ति से परिचित नहीं थे और इसी को आप जानना चाहते थे, इसी वजह से आपने सवाल कहाँ से शुरू किया, हु से शुरू किया। तो इसी बात को हम कह सकते हैं टू नो, यानी अगर हमें जानना हो, किसे जानना हो, एन अननोन पर्सन, एक अपरिचित व्यक्ति को जानना हो जो कि एज ए सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में आया हो, उसे जानना चाहते हो, तो हमें अपना सवाल कहाँ से शुरू करना चाहिए, हु से शुरू करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे सवाल किया किसी से, हु इज योर फादर, तो उन्होंने जवाब दिया रोहन इज माय फादर। दूसरे आंसर की बात करें, आपने किसी से सवाल किया हु टीचेस यू इंग्लिश, और यदि मैं उसे इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो वो व्यक्ति क्या जवाब देगा, प्रसाद टीचेस मी इंग्लिश। तो आपने यहां पे देखा कि टीचेस वर्ब का सब्जेक्ट बनकर के कौन आया, मेरा खुद का नाम, ठीक है, यदि मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूं। फिर उसके बाद में अगर हम लोग तीसरे सवाल का जवाब देना चाहें तो आपने पूछा किसी से हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का यानी भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो वहां पे आपको जवाब मिलेगा मिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपने इस सवाल के जवाब में भी देखा कि सब्जेक्ट की जगह पे आपको क्या मिला, एक अननोन पर्सन जिससे सवाल पूछने वाला अभी परिचित नहीं था। तो हु के बारे में इतनी सी इंफॉर्मेशन है भाई कि यदि हमें हु का उपयोग करना हो तो हमें तब करना चाहिए जब कोई अपरिचित व्यक्ति जो कि सब्जेक्ट बन करके आने वाला हो किसी वाक्य में, उसे यदि हम जानना चाहते हैं तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, हु का प्रयोग करना चाहिए। तो आप इन सारी बातों को नोट कर लीजिए। मैं थोड़ी ही देर में आपके सामने फिर से उपस्थित होता हूँ whom के बारे में, जो whom के यूजेज हैं उनको समझने के लिए। तो मित्रों, अब तक के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और हु का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, इन सभी बातों पर विचार विमर्श किया। अब हम लोग बात करने वाले हैं हुम का उपयोग, यानी हम लोग हुम का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने हु का उपयोग सीखा था उसी तरीके से एक बात अब आप अपने साथ में जोड़ लीजिएगा कि जो हुम है वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ हु है, ठीक है, जो हुम है ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ हु है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। सबसे पहली बात आपने बोल दिया कि भाई ऑब्जेक्टिव केस ऑफ हु, यानी हु का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, हुम है। ये आपकी पहली बात हो गई, ठीक है। और जो दूसरी बात है कि हुम का उपयोग हम क्या करने के लिए करेंगे, तो हुम का उपयोग हम लोग क्या करने के लिए करते हैं, टू नो, जानने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए, एन अननोन पर्सन, एक अपरिचित व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। और ये अननोन पर्सन क्या होना चाहिए, एज एन ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में यदि एक अपरिचित व्यक्ति को ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया हो जिससे आप परिचित ना हो, यानी सेंटेंस में कोई पर्सन हो जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा हो और आप उसका नाम जानना चाहते हो, तो आपको अपना सवाल कहाँ से शुरू करना चाहिए, whom से सवाल अपना शुरू करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक सवाल करता हूँ, whom do you teach maths, आप गणित किसे पढ़ाते हैं। तो अगर इसका आंसर मिलेगा किसी व्यक्ति से तो वो बोलेगा I teach maths to many students। अब यहाँ पे मिला क्या आपको जवाब, many students, किसकी जगह पे मिला, whom की जगह पे आपको जवाब मिला, ठीक है ना। तो होम के जगह पे आपको जवाब में क्या मिला, मेनी स्टूडेंट्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पूरे सेंटेंस को तो आप ये पाएंगे, या पहले आप इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब मिल रही है तो आप देखेंगे कि पढ़ाता कौन है, आप पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ पे लिखे गए हैं, ये हो गया क्या सब्जेक्ट, जो एक्शन कर रहा है जो डूअर है वो हो गया सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट का पता है, आप खुद ही पढ़ाते हैं तो आपको पता है कि कौन सब्जेक्ट है, लेकिन आप गणित किसे पढ़ाते हैं ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप पढ़ाते हैं, आप सब्जेक्ट हैं, लेकिन जिसे आप पढ़ाते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दो बातें आपको पता है, तीन बातें, पहली कि सब्जेक्ट कौन है और दूसरा मुझे क्या पता है कि भाई मेन वर्ब कौन सी है, यानी हमको एक्शन का भी ज्ञान है और हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी पता है कि आप क्या पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये तीनों बातें मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चौथी बात नहीं जानता हूँ और वो चौथी बात क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी किसे पढ़ाते हैं। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो अननोन है मेरे लिए। तो मैंने आपसे सवाल किया कि आप गणित किसे पढ़ाते हैं, तो आपने जवाब दिया आई टीच मैथ्स टू मेनी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गए आप, अगर आपने जवाब दिया तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब यानी ये हो गया क्या एक्शन, और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो अभी वहाँ पे आपने लिखा था। और इसके बाद में आपने देखा क्या कि मेनी स्टूडेंट्स का जो जुड़ाव है वो टीच के साथ में उतना नहीं है, उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि मैथ्स का ज़रूरी है, यानी इसको आप हटा देंगे तो इसके बाद सवाल फिर से क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है वाक्य ही इंट्रोगेटिव सेंस में चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप बोलेंगे आई टीच मेनी स्टूडेंट्स टू मेनी स्टूडेंट्स, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप बड़े ज़्यादा लड़कों को पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो मैथ्स हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और टू लगा करके प्रेपोजिशन लगा करके हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखने की कोशिश की, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की कोशिश की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस शब्द का प्रयोग हम लोगों ने किसकी जगह पे किया, भाई यू के जगह पे आई सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछने वाला व्यक्ति मैं था और जवाब देने वाले व्यक्ति आप हो गए, तो इस वजह से अब सब्जेक्ट मेरे रेफरेंस में आप लिसनर थे तो मैंने आपके लिए यू यूज़ किया, आपके रेफरेंस में आप क्या हो, स्पीकर हो, तो आपने अपने लिए आई का उपयोग कर लिया। तो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं यहाँ से उठ करके चला आया, एक्शन देख रहे हैं यहाँ से उठ के चला आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के चला आया, लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं जानना चाहता था उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह किसने ले ली, मेनी स्टूडेंट्स ले ली। यानी हम कह सकते हैं कि हूँ का प्रयोग हम लोग करते हैं तब जब हमें जानना होता है किसी अननोन पर्सन के, जो है अननोन पर्सन के बारे में जानना होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा हो। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, जरूरी नहीं है कि हु का जवाब सिंगुलर के तौर पे दिया जाए, यानी हु के द्वारा एक व्यक्ति के बारे में सवाल पूछा जाए। ये मैंने एक जनरल सी बात लिखी है कि हु और हुम के जरिए एक व्यक्ति के बारे में सवाल पूछा जा सकता है जो किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हो या फिर क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। एक और सवाल हम लोग देखते हैं इस तरीके का, जैसे हम लोगों ने इस तरीके से किया, whom did they, whom did they call in the office, whom did they call in the office, whom did they call in the office, they का मतलब वे या उन्होंने, कॉल का मतलब बुलाया, क्योंकि डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यानी यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हो जाएगा दे कॉल इन द ऑफिस, उन्होंने ऑफिस में बुलाया, किसे बुलाया ये नहीं पता, किसे बुलाया ये नहीं पता, तो जिसे बुलाया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है कोई व्यक्ति रहा होगा जिसे बुलाया गया होगा, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अननोन है। तो इसी के बारे में हमें जानना है कि भाई किसे ऑफिस में बुलाया गया, यानी वो कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था जो कि पर्सन के रूप में था जिसे ऑफिस में बुलाया गया, उसी का नाम हमको जानना है। तो अगर हम लोग इसका जवाब देंगे तो हमको क्या मिलेगा, दे कॉल्ड उन्होंने बुलाया, और मान लीजिए कि उन्होंने रोहन को बुलाया, कहाँ पर, इन द ऑफिस, दे कॉल्ड रोहन इन द ऑफिस। तो आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपने ये पाया कि जब हमने आंसर दिया तो हमने यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम लिखा, रोहन, जो कि हमने मेन वर्ब के तुरंत बाद में लिखा विदाउट एनी प्रीपोजिशन। और अगर हम रोहन को फिर से हटा दें तो हम बोलेंगे दे कॉल्ड इन द ऑफिस। तो आप हमसे फिर से सवाल करेंगे कि भाई ये तो बताओ कि किसको बुलाया गया ऑफिस में। तो इसका मतलब रोहन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो होम के जरिए हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में सवाल करते हैं और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई पर्सन रहता है, उसी पर्सन को फाइंड आउट करने के लिए, उसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, whom का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और who का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, तब हम करते हैं जब हमको जानना होता है एन अननोन पर्सन एज अ ऑब्जेक्ट, जो कि एज अ सब्जेक्ट। मतलब किसी भी वाक्य का अगर सब्जेक्ट कोई एक व्यक्ति है या एक से अधिक व्यक्ति हैं, उन्हें जानने के लिए हमें सवाल who से शुरू करना चाहिए। और यदि किसी वाक्य का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति है या एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए, उनको जानने के लिए हमें whom से अपना सवाल शुरू करना चाहिए। बातें आपको कन्फर्म है। और आपने एक और बात खास देखी होगी कि जब हमने who लिखा और whom लिखा तो हमने उसके बाद में किसी भी प्रकार के नाउन का जिक्र नहीं किया है, यानी इन्होंने नाउन की जगह पर नाउन के फंक्शन को भी एग्जीक्यूट किया और नाउन के संबंध में सवाल भी पूछा। जैसे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमको पता चलता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमको पता चलता है। तो ये नाउन का फंक्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, इस वजह से इन्हें हम प्रोनाउन कहेंगे। और चूंकि ये नाउन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए हम लोग इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वे शब्द हुए जिनके जरिए, जिनका प्रयोग हम लोग नाउन की जगह पर करके नाउन के ही संबंध में सवाल पूछने का कार्य संपन्न करते हैं। तो इन सभी तथ्यों के साथ में हम लोगों ने who और whom के बारे में सीखा। अभी हम लोगों ने प्रीवियस सेगमेंट में ये बात की थी कि भाई जो who और whom है, ये प्योर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यानी इनका उपयोग हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में केवल इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में करते हैं। अगर हम लोग प्रश्न पूछने की बात करें तो, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स की बात करें तो। और अगर हम लोग किसी दूसरे रेफरेंस में बात करें तो who और whom का प्रयोग हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं, जिन्हें हम लोग कंजंक्टिव प्रोनाउंस भी कह लेते हैं। वो बात हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में सीखेंगे। लेकिन अगर हम प्रश्नवाचक शब्दों की बात करें तो who और whom का प्रयोग केवल इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में किया जाता है, जबकि what, which और whose जो हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होने के साथ साथ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत भी पाए जाते हैं। तो मैं थोड़ी ही देर में आपके सामने फिर से उपस्थित होता हूँ what, which और whose के बारे में डिस्कशन लेकर के। तब तक आप who और whom के बारे में चीज़ों को इत्मीनान से नोट आउट कर लीजिए। थोड़ी ही देर में आपके साथ में what, which और whose से रिलेटेड डिस्कशन होना है। तो मित्रों, अब तक के वीडियो सेगमेंट में हमने who और whom का अध्ययन किया और ये पाया कि who का प्रयोग हम लोग एक अपरिचित व्यक्ति जो कि सब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस का, उसे जानने के लिए करते हैं, और whom का प्रयोग एक अपरिचित व्यक्ति जो कि सेंटेंस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा हो, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इनका उपयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में करते हैं नाउन के स्थान पर। अब हम लोग आते हैं what, which और whose के संबंध में कि भाई what, which और whose की उपयोगिता क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें what की, अगर हम लोग बात करें किसकी, what की, एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर हम लोग what का उपयोग कर रहे हों किस तरीके से, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जिनके बारे में हम लोग सीख रहे हैं, तो भाई इसकी उपयोगिता क्या है, इस बारे में हम लोग विचार करते हैं। तो एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर हम what का उपयोग कर रहे हैं तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं टू आस्क एन ओपन क्वेश्चन, to ask an open question about a noun। ठीक है ना, एक नाउन के बारे में एक खुला सवाल करने के लिए हम लोग करते हैं। खुले सवाल का मतलब क्या है, we only wants to know the name of a person, place or thing which is going to be used within a sentence as a subject or as an object or as any other word। मतलब आप समझिएगा इस बात का, हम लोग केवल एक पर्सन, प्लेस या थिंग इत्यादि का नाम जानना चाहते हैं, हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान इत्यादि का नाम जानना चाहते हैं। इत्यादि का मतलब बहुत कुछ, पेड़ पौधे, जानवर, निर्जीव वस्तुएं, आपके मन में चलने वाली भावनाएं, किसी व्यक्ति के अंतर्गत या किसी वस्तु इत्यादि के अंतर्गत पाए जाने वाली गुण या विशेषताएं, इन सभी को वस्तु के अंतर्गत शामिल किया गया। तो हमने बोला कि यदि हम लोग किसी पर्सन, प्लेस या थिंग एटसेट्रा का नाम केवल जानना चाहते हैं तो हमें वहां पे अपना सवाल कहाँ से शुरू करना चाहिए, व्हाट से शुरू करना चाहिए। और व्हाट प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे जनरल वर्ड है जो मैक्सिमम टाइम्स यूज किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे बात करें, हम लोग कह सकते हैं व्हाट डू यू लर्न, आप क्या पढ़ते हैं। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, आप क्या सबसे अधिक पसंद करते हैं। व्हाट डू यू सी इन फ्रंट ऑफ योर आईज, आप अपनी आंखों के सामने क्या देखते हैं। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या घटित हुआ। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो मतलब किसी भी बेसिक से सवाल की जो शुरुआत है वो किस तरीके से है कि हम लोग एक फैक्ट का नाम जानना चाहते हैं। और वो फैक्ट क्या हो सकता है, वो फैक्ट पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, वस्तु हो सकती है, एनिमल हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी प्रकार की फीलिंग हो सकती है। जैसे व्हाट इज इन योर माइंड, आपके मन में क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज इन योर माइंड, आपके मन में क्या है। व्हाट डू यू लर्न, आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या सीखते हैं। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, आप क्या सबसे अधिक पसंद करते हैं, आप क्या सर्वाधिक पसंद करते हैं। व्हाट डू यू सी इन फ्रंट ऑफ योर आईज, आप अपनी आंखों के सामने क्या देखते हैं। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, अगर हम लोग इस सवाल की बात करें, अब तक हमने देखा क्या कि ये जो यू है ये सब्जेक्ट था, लेकिन इस वाले में हमने देखा कि व्हाट जो है वो एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और उसी के साथ साथ में एक इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम कर रहा है, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। क्योंकि जैसे ही आप इसका जवाब देंगे तो इस व्हाट की जगह पे कोई एक नाउन चिपकाएंगे और वो नाउन एज ए सब्जेक्ट आप चिपकाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि व्हाट उस सब्जेक्ट की जगह लेकर के बैठा है। और हम लोग क्या जानना चाहते हैं, केवल पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा का केवल हम लोग नाम जानना चाहते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने इसको क्या बोला, टू आस्क एन ओपन क्वेश्चन अबाउट अ नाउन, जहां से नाउन के खुलने की शुरुआत होती है, मतलब जहां से किसी नाउन के अनावरण होने की शुरुआत होती है। बस वही सवाल अगर हमको करना हो, बहुत ही प्राइमरी क्वेश्चन अगर हमें करना हो, तो हमें वहां पे अपना सवाल कहाँ से शुरू करना चाहिए, व्हाट से शुरू करना चाहिए। बात समझ में आई आपको। तो व्हाट का प्रयोग हम लोग इस तरीके से करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोला व्हाट इज योर नेम, तो बहुत ही जनरल सा सवाल है जो आप किसी नए अपरिचित व्यक्ति से मिलने के बाद में आप उसे कुशल क्षेम पूछने के तुरंत पश्चात में आप ये पूछ लेते हैं, आई डोंट नो यू, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर नेम, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपका नाम क्या है। तो वहाँ पे आपने व्हाट बोला और वो व्यक्ति जब अपना नाम बताएगा, जैसे मैं यदि आपको अपना नाम बताता हूँ तो मैं वहाँ पे बताऊँगा हेलो माई नेम इज प्रसाद। तो प्रसाद वहाँ पे क्या हुआ, एक फैक्ट हुआ, एक नाउन हुआ, जो मैं वहाँ पे सिंपली आपके सवाल के जवाब में केवल उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जितनी इन्फॉर्मेशन आप मांगना चाहते हैं। तो ये एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन को अगर हम जानना चाहते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, किसी भी चीज़ का नाम है, और वो नाम किसका हो सकता है, पर्सन, प्लेस, थिंग क्वालिटी, स्टेट, इमोशन एटसेट्रा कितनी भी चीज़ें हैं जिनका नाम है, उनमें से किसी एक का केवल यदि हम नाम जानना चाहते हैं तो हमें अपना सवाल कहाँ से शुरू करना चाहिए। व्हाट और व्हाट हमारे सब्जेक्ट के बारे में भी हो सकता है और व्हाट हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में भी हो सकता है। यानी व्हाट का प्रयोग हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, वाक्य के सब्जेक्ट के तौर पे भी कर सकते हैं और वाक्य के ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी कर सकते हैं। बातें आपको कन्फर्म है? तो आपने व्हाट के बारे में जो बहुत ही बेसिक और बहुत ही फाउंडेशनल बात थी उसको आपने सीख लिया। अब हम इसके बाद बात करेंगे भाई व्हिच के बारे में। आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, मैं फिर से थोड़ी देर में आपके सामने आता हूं और व्हिच के बारे में डिस्कशंस देता हूं आपको। तो मित्रों, अब तक के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हु, हुम, ठीक है ना, हु, हुम और व्हाट के बारे में बातें कर ली कि इनका उपयोगिता क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बेसिस पे। अब हम लोग बात करेंगे विच के संबंध में। तो अगर हम लोग विच की बात करें और हम लोग इसे क्या मान करके चलें, हम लोग इसे अगर ले करके चलें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे, हम लोग इसे किस तरीके से ले करके चलें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे, तो विच के जरिए हम लोग क्या पूछने की कोशिश करते हैं। विच के जरिए हम लोग एक्चुअल में आइडेंटिफिकेशन को आस्क करने की कोशिश करते हैं, मतलब आइडेंटिफिकेशन को, किसी के पहचान को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। टू आस्क अबाउट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ऑफ अ पर्टिकुलर person, place or thing। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश है। हमने यहाँ पे कहा टू आस्क अबाउट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, ऑफ अ पर्टिकुलर किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु इत्यादि के आइडेंटिफिकेशन के बारे में यदि सवाल करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, विच से अपना सवाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, विच इज द बॉय, विच इज द बॉय सेलेक्टेड इन द एग्जाम, ठीक है। या फिर विच वाज द बुक, विच वाज द बुक यू सोल्ड यस्टरडे। इन दो सवालों को करिए। और एक और सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसको भी आप देखिए। विच क्लास डू यू रीड इन, ठीक है, विच क्लास डू यू रीड इन। इन तीन सवालों को देखिए ध्यान से। हमने पहले सेंटेंस में लिखा विच और उसके तुरंत बाद हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रख दी और इसके बाद में हमने कोई भी शब्द नहीं लिखा। दूसरे सेंटेंस में हमने लिखा विच और उसके बाद में फिर से हमने हेल्पिंग वर्ब रख दी और यहाँ पर हमने कोई भी सेंटेंस नहीं लिखा। और लेटर ऑन हम लोग बाद में जा करके एक नाउन लिखते हैं और इसी नाउन के संबंध में इन शब्दों से हमने सवाल कर रखा है। हम यहाँ पे कहना चाहते हैं, हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि भाई एक लड़का है जो एग्जाम में सेलेक्ट हुआ, ठीक है, सेलेक्ट किया जाता है, एक लड़के को एग्जाम में सेलेक्ट किया जाता है। और वो कौन सा लड़का है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी पहचान क्या है, ये जानने के लिए हम लोगों ने किसका प्रयोग कर लिया, विच का प्रयोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे कर लिया। और जैसे ही हम लोग इसका नाम देंगे, ठीक है ना, जैसे ही हम लोग इसका आंसर देंगे, इतने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जगह पर एक नाउन आएगा जो कि बहुतों में से एक होगा। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, बहुत सारे लड़के हैं और उनमें से एक लड़का है सेलेक्ट हुआ है और हमें ये पता है कि लड़के ही हैं, मतलब एक लड़का ही है जो सेलेक्ट हुआ है। तो हम नाउन तो जानते हैं बट वी आर कंफ्यूज अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर नाउन दैट इज सेलेक्टेड इन द एग्जाम। यानी उस पर्टिकुलर उस खास लड़के का नाम हमें नहीं पता है जो बहुतों में से एग्जाम में सेलेक्ट हुआ, और उसी को जानने के लिए हमने अपना सवाल कहाँ से शुरू किया, विच से। तो विच बोलने का मतलब क्या हुआ, इट कैन बी यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द सिलेक्शन और चॉइस ऑफ अ नाउन एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट विद इन अ सेंटेंस। मतलब किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बहुत सभी में से चुना गया हो, और उसे यदि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हमें अपना सवाल कहाँ से शुरू करना चाहिए, विच से शुरू करना चाहिए। तो इन दो सेंटेंसेस में विच का प्रयोग हम लोगों ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे किया, लेकिन तीसरे सेंटेंस में हमने यहाँ पे देखा क्या कि भाई क्लास एक नाउन है और इस नाउन के बारे में ही सवाल हो रहा है, और हमने इस नाउन को इस शब्द के तुरंत बाद रखा हुआ है, यानी ये शब्द हमारा एडजेक्टिव के तौर पे काम करने लगेगा। इस वजह से हम लोग इस विच को क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, और इसका भी काम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे विच का था, लेकिन ये एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और ये दोनों विच हमारे क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, Which class do you read in? आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। तो इन सभी डिस्कशंस के साथ में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के व्हाट, विच और whom इन चार शब्दों के बारे में सीख लिया। अब आइए जल्दी से हम लोग whose के बारे में भी सीख लेते हैं, और इसके बाद में आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पे बंद कर देंगे, क्योंकि अब आपके इस वीडियो लेक्चर का जो टाइम है वो एक्सीड हो रहा है और मुझे आप तक ये वीडियो लेक्चर पहुंचाने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाइए भाई जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं कि whose का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो अगर हम लोग whose की बात करें और इसे एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम लोग प्रयोग करना चाहें, इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी एक वाक्य में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यदि हम लोग इसका प्रयोग करना चाहें, तो हम लोग whose का प्रयोग क्या करने के लिए करते हैं, whose का प्रयोग हम लोग एक्चुअल में पोजेसर का प्रयोग, पोजेस्ड नाउन का पता लगाने के लिए करते हैं। टू आस्क अबाउट अ पोजेस्ड नाउन। एक पोजेस्ड नाउन के बारे में यदि हमें प्रश्न पूछना है तो फिर उसके बाद में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सॉरी पोजेस्ड नाउन नहीं, अबाउट अ पोजेसिव नाउन, मतलब पोजेसिव नाउन मतलब एक अधिकारी नाउन को अगर हमें जानना है, ठीक है ना, टू फाइंड आउट अ पोजेसिव नाउन, एक अधिकारी नाउन को यदि हमें जानना है, यानी किसी एक अधिकारी व्यक्ति को जानना है जिसका किसी भी व्यक्ति वस्तु इत्यादि पे स्थान है, इत्यादि पे अधिकार है, तो हमें उसके लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, whose का प्रयोग करना चाहिए। जैसे whose is this book। अब इस साधारण से सवाल का अगर हम लोग जवाब करें तो हम पाएंगे इस तरीके से, this is the book of, और उसके बाद में रोहन। तो हमने whose के जगह पे क्या प्राप्त किया, रोहन, और रोहन के तुरंत पहले क्या लिखा हुआ है, ऑफ, और ये जो ऑफ प्रीपोजिशन होता है ये पोजीशन, सिलेक्शन इत्यादि के बारे में बात करता है, और यहाँ पर ऑफ के तुरंत बाद में जो नाउन है ये नाउन हमारा कैसा है, पोजेसिव है। ये नाउन एक अधिकारी है, किसका अधिकारी है, किताब का अधिकारी है। तो हमने whose के जरिए सवाल किया और एक नया शब्द हमने प्राप्त किया उत्तर में। तो ये नया शब्द किस तरीके से प्राप्त हुआ, पोजेसिव पर्सन के रूप में प्राप्त हुआ, यानी अधिकारी व्यक्ति के रूप में प्राप्त हुआ, यानी अधिकारी व्यक्ति के तौर पर किसका नाम है इसे जानने के लिए हमें अपना सवाल कहाँ से शुरू करना चाहिए, whose से शुरू करना चाहिए। जैसे हम लोग कह सकते हैं whose is the car parked इन माई हाउस, मतलब द कार पार्क्ड इन माई हाउस, ठीक, मेरे घर में खड़ी की गई कार, मेरे घर में पार्क की गई कार किसकी है, मेरे घर में पार्क की गई कार किसकी है। तो हम लोग क्या जानना चाहते हैं, पोजेसिव पर्सन का नाम, अधिकारी व्यक्ति का नाम जानना चाहते हैं। तो इसका जवाब क्या मिलेगा, द कार पार्क्ड इन योर हाउस इज ऑफ सोहन, किसकी है, सोहन की है। तो सोहन यहाँ पे क्या हुआ, सोहन यहाँ पे पोजेसिव पर्सन हुआ, अधिकारी व्यक्ति हुआ। और इस अधिकारी व्यक्ति को जानने के लिए आपने किस शब्द का उपयोग किया, हुज का प्रयोग किया एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हम लोगों ने अब तक के वीडियो सेशन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में अध्ययन किया और ये जानने की कोशिश की कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं और उनका उपयोग हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो आप इन सभी बातों को इत्मीनान से पढ़िए, नोट्स बनाइए और अपने एग्जामिनेशंस के लिए खुद को प्रिपेयर करिए। मैं फिर से मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नए प्रोनाउंस के डिस्कशंस को लेकर के, कुछ नए इंग्लिश के बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अध्ययन को इसी तरीके से अनवरत रूप से जारी रखिए। धन्यवाद।